इस टाइप का है माड़ा गांव, देख सकते हो आप। थकान बहुत लग गई है, तो ये रास्ता जो है गया है सीधे गया है वसुधरा झील, तो वसुधरा के वहाँ को, और ये नदी है सरस्वती, सरस्वती है ना, सरस्वती नदी है। तो इसका तो ओपनिंग तो जहाँ उद्गम है वहाँ तो दिख गया हमें, पर जहाँ पर ये समाप्त हो रही है वो नहीं दिखाया हमने अभी तक, वो नहीं पता कहाँ पर हो रही है। बाकी देख सकते हो नीचे को हैं, देखो पत्थर भी कैसे लटका यार। शायद भीमपुर ही हुआ शायद, हमको पता नहीं है उतना। तो बाकी वीडियो में तो नई वीडियो की शुरुआत कर दी है दोस्तों मैंने, जहाँ से मैंने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो आपको दिखाते थोड़ा माणा गांव और भीमपुर और सरस्वती टेंपल, तो आप ज़रूर देखना। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो अभी तो भीड़ बहुत कम है वैसे, तो आप देख सकते हो। तो अभी अब अंदर दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद आपको शाम को बाहर मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो तो सामने है मंदिर। तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30, तो अभी आए हुए हैं हम इस साइड को, तो भीड़ तो हुई है लगभग। तो देखते हैं कितने टाइम में नंबर आता है, दुकान दिखाई देने में। तो इस टाइप की दुकान लगी हुई है सामने, देख सकते हो आप, तो आपको दुकानें मिल जाएंगी। ये पुल बनाया हुआ है और सामने मंदिर है। तो ये सामने देख रहे हो नीचे आप नदी, बाकी साइड को है तप्त कुंड, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस साइड से बाकी इस साइड से भी नदी गई है नीचे को, और ये देवप्रयाग में मिल जाती है नदी। तो इतना हमने जानकारी प्राप्त की है, बाकी नदी का नाम मुझे भी नहीं पता क्या था। और ये मंदिर है सामने, मंदिर का गेट। ज्योतली रही, तो ये देख सकते हो मंदिर आप। तो यहाँ से एक सीन है देख सकते हो आप सामने चारों तरफ से, तो आप देख सकते हो मंदिर। तो अभी तो भीड़ बहुत कम है वैसे, तो आप देख सकते हो। तो अभी अब अंदर दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद आपको शाम को बाहर मिलता हूँ। तो आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा, भगवान का कैसा है। तो ये है कौन सा कुंड है, तप्त कुंड ना, हाँ। तो ये है तप्त कुंड जो सामने देख रहे हो आप, उसके बगल पे जस्ट नदी। तो इस साइड को, तो इसमें से कोहरा देख सकते हो कितना आ रहा है इसमें भाप, वो गर्म है ये। बाकी इस साइड को भी है, इस अग्निकुंड तप्त कुंड में स्नान तप दान करके लिखा हुआ है कुछ वहाँ पर। सामने पुल, बाकी इस साइड को ऐसा है देख रहे होंगे आप सेम। तो ये शाम का दृश्य है देखो आप, तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ धाम। तो इस टाइप से है, तो हमने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद वापसी में आपको दिखा रहा हूँ मैं एक बार। और आपको कुंड भी दिखाया मैंने, तप्त कुंड। तो ये तो अब भगवान की माया है कि नीचे ठंडी सरस्वती मैया, सरस्वती जो बहरी है, ऊपर से वहाँ पर एक तप्त कुंड है। बाकी ऊपर देख सकते हो हिमालय, तो पूरी बर्फ, अभी इस साइड को बर्फ नहीं पड़ी है, तो अभी तो सिर्फ ऊपर साइड को पड़ी है। तो ठंडा बहुत आ रहा है, बारिश सुबह से लगी हुई है। तो इस टाइप की दुकानें हैं।
तो आपको रूम में जाके मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।